भाई लोगों क्या देखने को मिल रहा है यार, सिंघम अगेन एंड भूलभुलैया 3 को लेके जो कंट्रोवर्सी है वो थमने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी कुछ दिन पहले ही अनीस बज्मी ने यार सिंघम अगेन एंड भूलभुलैया 3 को रिलीज डेट को लेके, उनके क्लेश को लेके कुछ बातें की थी यार। उनको तोड़ मरोड़ के मीडिया के अंदर किसने पेश किया, कौन इस सबका मास्टरमाइंड है इन सभी का, यार यहाँ पर अनीस बज्मी ने कुछ जवाब भी दिए हैं जो वो भी बात करेंगे। और क्या है इनका यार क्लेश, और क्या होगा बॉक्स ऑफिस, गुलजार होगा या भाई साहब किसके सितारे गर्दिश में जाएंगे, उसके बारे में भी बात कर लेंगे। लेकिन यार उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर भी कर दो ना। सो यार मीडिया रिपोर्ट्स में काफ़ी दिनों से यार यहाँ पर अनीस बज्मी का इंटरव्यू चल रहा है। उन्होंने कुछ रिपोर्टर को कुछ बोला था यार कि फ़र्क नहीं पड़ता है यार किसी भी फिल्म को रिलीज किए क्या करो, अगर अच्छी फिल्म बनाते हो और अगर रिलीज डेट अच्छी ना मिले तो। यार उन्होंने बोला था क्लेश को लेके, यार उन्होंने सिंपल से शब्दों में बोला था यार कि वो हमेशा अच्छी फिल्में बनाते हैं, अच्छा एक्शन, अच्छा कॉमेडी और अच्छी स्टोरी के साथ हमेशा आते हैं, और अगर उनको अच्छी रिलीजिंग डेट भी ना मिले तब भी उनकी फिल्म अच्छा खासा कलेक्शन कर जाती है। तो यार उन्होंने एकदम सही बात बोली और सही पते पर बोली। लेकिन यार यहाँ पर कुछ चमचे लोग हैं यार, इस बात से किसी को दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, लेकिन कुछ चमचे होते हैं यार, उनका क्या ही कुछ कर सकते हैं। और रोहित शेट्टी के बारे में लोगों ने यार यहाँ पर मतलब रोहित शेट्टी के ऊपर इस बयान को ले लिया कि यार ये तो उन्होंने अनीस बज्मी ने रोहित शेट्टी के ऊपर तंज कसा है। उसके बाद जब यार अनीस बज्मी को अगेन पता चला कि यार मीडिया के अंदर मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, तो उन्होंने यार वापस से एक इंटरव्यू दिया और बोला कि यार मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, सिंघम अगेन एंड भूलभुलैया 3 दोनों ही बहुत अच्छी फिल्में हैं और मैं दोनों ही फिल्मों के लिए एक्साइटेड हूँ। इन दोनों को फिल्मों जिन टीम्स ने बनाया है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, सो यार मैं दोनों ही फिल्मों के लिए एक्साइटेड हूँ। एक रिपोर्टर ने यार यहाँ पर अनीस बज्मी से बोला था कि क्या आप सिंघम अगेन की टीम से रिक्वेस्ट करेंगे, क्या उनकी टीम को यार बोलेंगे कि अपनी फिल्म को पुश कर ले, तो उन्होंने बोला कि यार मैं बात करने क्यों जाऊँ, मैं किसी से बात करने क्यों जाऊँ, ये बातें यार बिजनेस डिसीजन एक प्रोड्यूसर लेता है और मैं सिर्फ एक डायरेक्टर हूँ तो ये मेरा काम नहीं है। वैसे भी यार सिंघम अगेन के मेकर्स ने इस फिल्म की रिलीजिंग डेट दिवाली काफ़ी पहले ही अनाउंस कर दी थी, और हमारी टीम ने हमारी मूवी के लिए यार हमने इस मूवी की रिलीजिंग डेट लगभग 1 साल पहले ही अनाउंस कर दी थी, तो अब कोई क्या ही कुछ कर सकता है। तो यार यहाँ पर रोहित शेट्टी अपनी जगह सही है एंड अनीस बज्मी भी अपनी जगह सही है, लेकिन वो को होते हैं ना कुछ चमचे, कुछ हेटर्स, वो यार नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं और उनका काम निकालते रहते हैं। सो यार हम तो दोनों ही फिल्मों का वेट कर रहे हैं, और दिवाली बहुत बड़ी छुट्टियाँ आएगी यार और काफ़ी अच्छा वीकेंड मिलेगा, तो दोनों ही फिल्में बॉक्स ऑफिस के ऊपर अच्छा खासा कलेक्शन करेगी। सो डेफिनेटली यार यहाँ पर मूवी दोनों ही ब्लॉकबस्टर होने वाली है। बीच में यार खबरें थी कि कार्तिक आर्यन ने भी अजय देवगन से बातें की है और उनसे रिक्वेस्ट की है कि सर आप प्लीज़ अपनी फिल्म को आगे बढ़ा लीजिए, और अजय देवगन भी यहाँ पर राजी हो गए थे अपनी फिल्म को बनाने के लिए। लेकिन बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट्स की, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट्स की माने सॉरी, तो ये सारी बातें सब झूठ है, इसी उन दोनों एक्टर्स के बीच में कोई बातें नहीं हुई है, और कहीं ना कहीं दोनों ही फिल्में दिवाली के मौके पर ही रिलीज होगी, अभी फाइनली तो कुछ कहा नहीं जा सकता। सो दोस्तों देखते हैं, वेट एंड वॉच। सो दोस्तों आप कौन सी मूवी के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हो कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना यार। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।